जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओम चो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत प्यार देने के लिए। अगर आप नए व्यूअर हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से जुड़ेंगे और कमेंट्स में जो भी अपनी बात हो वो ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों, आप सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें जिनसे आपके जीवन में बड़ा बदलाव और सकारात्मक बदलाव होता रहे। बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें मैं बतलाऊँगा। उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आपको निशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध करवाने वाला एकमात्र चैनल ये है। दूसरा निवेदन ये भी कि बहुत से लोग ऐसे हैं, फर्जी लोग, जो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स करते हैं कि ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करें। ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। उन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट ना करें और उन कमेंट्स को आप अनदेखा करें। और मैं भी डिलीट अपनी ओर से करता हूँ, लेकिन आप भी अपनी ओर से इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि आप किसी के जालसाजी में ना फंसे। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं आपकी राशि के लिए कि जो आने वाले 100 दिन है ये कैसे रहेंगे, इसमें क्या खास होगा, क्या विशेषता है और क्या क्या चीज़ें होगी, इस पर हम एनालिसिस आज करेंगे। सबसे पहली बात है आपके आर्थिक स्थिति की। हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सी बातें पूछता रहता है, बहुत सी बातें जानना चाहता है। देखिए, मार्केट के हिसाब से मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी, लेकिन तेज़ी इस प्रकार की बनी रहेगी दोस्तों कि मार्केट धोखेबाज तरह का होगा। 20 दिन तो बहुत तेज़ी होगी, लेकिन एकदम से जितना ऊपर गया वापस डाउन आ जाएगा वो। तो आप समझते हैं, आप समझोगे कि बहुत अच्छा जा रहा है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इस तरह से मत करिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पहले बहुत ऊपर और एकदम से नीचे आने की जो कवायद है वो इन 100 दिनों में मार्केट की दिखाई देगी। तो आप आर्थिक तौर पर, ये आपको दोनों कंडीशन आप पर लागू हो सकती है। अगर आप सोच समझ कर करेंगे तो माला माल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी यदि लालच किया या थोड़ा सा भी अनदेखा किया या थोड़ा सा भी आपने सिचुएशन को बाहर हुए आप, तो बहुत बड़ा नुकसान आर्थिक हो सकता है। तो आर्थिक उन्नति की तो पूरी संभावना है आपकी राशि के लिए, आर्थिक उन्नति होगी, लेकिन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पैसा कब कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा, पैसों के मसले में जो उधार हैं, जिन लोगों को हम उधार दे चुके हैं ब्याज पे या लोन पे या कहीं तरीके से हम लोगों को पैसे उधार देने की एक परंपरा है, तो उन जितनी भी परंपरा है इनमें सोच समझ कर उधार दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि उधार देने से आप जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। पैसे का निवेश करने से पहले मैं फिर भी कह चुका हूँ, एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ आपको कि पैसे का जो निवेश है उस निवेश में थोड़ा हाथ बचा कर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करना चाहता हूँ एक आर्थिक तौर पर जो खर्च है उस पर भी आपको कटौती करना चाहिए कि खर्च बढ़ रहा है तो उसे कम करें और खर्चों को मेंटेन करके रखें। पैसे किसको दिए उसका हिसाब किताब भी अपने पास रहें। ऐसा नहीं कि पैसे केवल खर्च हो रहे हैं, उनका हिसाब हमारे पास नहीं है, तो ये भी एक आपके लिए नुकसानदायी चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों, प्लीज़ इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखेंगे, मुझे पूरा यकीन है, तो आपको फायदा होगा। दूसरी बात करना चाहता हूँ मैं, प्रेम प्रसंग और वैवाहिकता, दाम्पत्य, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हमेशा पूछते हैं। आने वाले 100 दिनों में दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, शादी का जो योग है वो बिल्कुल प्रबल है। शादी होने के पूर्ण योग है और शादी का जो योग इस प्रकार से है कि आपको पता भी नहीं कि 8 दिन बाद आपकी सगाई हो जाएगी। आपको ये भी पता नहीं कि 8 दिन बाद मेरे साथ इस तरह से घटना घटित हो जाए, घटना नहीं बोलना चाहिए, एकदम औचक होगा, जो भी होगा तुरंत होगा, चट मंगनी पट ब्याह, इस तरह का केस जो है ये आपको देख, ये आप देख लीजिएगा, आपके रिश्तेदार परिवार, ये इस तरह का इंसिडेंट आपकी राशि के साथ, आप सभी के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घटित होगी। तो शादी विवाह के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग शिव जी को पहले से जड़ में जल चढ़ाते आए हैं, मैंने उपाय उन्हें बताया है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। जो लोग बहुत ही सकारात्मक है, पॉजिटिव हैं, बिल्कुल फ्रीली, कोई दिक्कत की बात नहीं। खासकर लड़कियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ एक दूसरी चीज़ है कि बहुत बार आपको दिखाया कुछ और जाएगा और वास्तविकता कुछ और होगी। तो मेरी बहनों से मेरा ये निवेदन है कि
किसी भी चीज़ को वो ऊपर ऊपर या एक ख्वाबों जैसा ना देखें, उसे वास्तविकता में ज़रूर मैच कर ले। चाहे उनके माता पिता हो, अगर वो इस वीडियो को देख रहे तो वो भी इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रहे। मुझे पता है कि कोई भी माँ बाप अपने बेटे या बेटी का कोई अहित नहीं चाहता है, लेकिन खासकर महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए और बहनों के लिए, क्योंकि उनके साथ तकलीफ ये होती है कि दिखाया कुछ और जाता है और हो कुछ और सकता है। और ये जो कंडीशन है, ये इन 100 दिनों में आपको फेस कर सकते हैं। तो पहले ही मैं आपको चेतावनी देता हूँ दाम्पत्य के हिसाब से, कि इस चीज़ पर, चाहे आपका अड़ोसी हो पड़ोसी हो, इस चीज़ पर आप एक बार गौर कर ले। अगर लड़का सरकारी नौकरी में है तो पहले एक बार उसका क्रॉस चेक जरूर करें। लड़का अगर जो भी चीज़ है, उन चीज़ों पर जो भी चीज़ें आप वो शो करते हैं कि हमारे पास ये है, या आप जो देखते हैं, वो चीज़ों को एक बार क्रॉस जरूर कर ले, नहीं तो शायद तकलीफ हो सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं, एक निवेदन है मेरा, इस चीज़ों पर आप ध्यान दें। दाम्पत्य के हिसाब से बहुत ही सामान्य रहेगा, मिला जुला 100 दिन रहेंगे, लेकिन मिला जुला होने के साथ साथ कोई भी बेवजह बात, जैसे शक और संदेह की जो बातें हैं, बेवजह बातों को अभी ना छेड़े, अभी उन मसलों को ना उठाए, नहीं तो आपके साथ तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात है, ससुराल पक्ष या किसी का भी ससुराल पक्ष हो, ससुराल या मायका जो पक्ष का जो भी लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को बिल्कुल ही सतर्कता से, सावधानी से और बिल्कुल ज़्यादा औचित्य ना दे वो, क्योंकि ससुराल पक्ष के और दोनों तरफ के जो भी रिश्ते होते हैं, वो धन में आकर गड़बड़ी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक और बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, झूठ झूठ से बचें। इन 100 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ से बचें। अगर झूठ आप बोलेंगे तो उस झूठ को दबाने के लिए आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो जो सच है, सिंपल और सटीक जो भी सच है, वो सच आप रख दें, आपके लिए अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ रोजगार की। रोजगार बहुत अच्छा उन्नतिशील होगा, नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, जगह का परिवर्तन हो सकता है, धन जो आप बहुत दिनों से जो प्रयास कर रहे हैं, एक तनख्वाह बढ़ाइए नौकरी में, वो चीज़ों में भी आपको सफलता मिलेगी। अपने अपने साथी सहभागियों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा पर या कोई पिकनिक स्पॉट पर या कोई भी एक अच्छा पॉजिटिव मीटिंग में, कहीं भी पॉजिटिव, और ज़्यादातर विदेश जाने की संभावनाएं भी बहुत बहुत से कंडीशनों में दिखाई दे रही है। इस ओर भी आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपके लिए ये जो आने वाले 100 दिन हैं, ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और 100 दिन जो आपके जीवन में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा। मोटे तौर पर मैं आपको ये बता देता हूँ, इन 100 दिनों के जो अनुभव है, वो जीवन में आपको जीवन भर याद रह जाएंगे। इस तरह के अनुभव आपको इन 100 दिनों में होंगे, और इन 100 दिनों में एक सबसे अच्छी चीज़ होगी कि जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें मन मुताबिक विवाह होने की संभावनाएं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है। तीसरी और एक जो मेन, अब आखिरी में मैं बात करना चाहता हूँ, सभी पॉजिटिव पहलुओं पर मैंने बात जरूर करी, लेकिन अब एक नेगेटिव पहलू जो कि आपको मैं बताना देना भर हार हार जी, इन 100 दिनों में दोस्तों कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, लेकिन दुर्घटना की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोज़ अगर लोग रस्तों पर सड़कों पर चलेंगे तो दुर्घटनाएं बनी सी बातें होगी। इसमें कोई गलत, कोई बड़ी और कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन दुर्घटना से बचने के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हर वीडियो में इस चीज़ के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ दोस्तों, आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, अपने गाड़ी का बीमा, लाइसेंस, कागज़ जो भी हैं, ताकि अगर कल को कोई भी दिक्कत होती है तो हम, हमारी परेशानी के अलावा दूसरी सामने कानूनी परेशानी हमारे सामने कहीं खड़ी ना हो जाए, हम आर्थिक रूप से कहीं टूट ना जाए। तो गाड़ी के कागज़, लाइसेंस, बीमा बीमा खास कर रखें, फुल बीमा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं तो आपके जीवन भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, और कभी कुछ घटनाएं होती हैं तो उन पर भी आप बच पाएंगे। शराब पी के गाड़ी बिल्कुल मत चलेगा, जितना हो सके आप शराब, व्यसन, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इसे छोड़ दें। तो आप छोड़ देंगे तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, मैं ये हर वीडियो में ये निवेदन जरूर करता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि एक व्यक्ति के दुर्घटना में ग्रसित होने से उसका पूरा परिवार पीड़ित हो जाता है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी व्यूअर के साथ इस तरह की घटना हो और वो परेशान में आए। तो गाड़ी धीरे चलाएं, बिना शराब पीकर न चलाएं, हेलमेट पहनकर चलाएं, गाड़ी के पूरे दस्तावेज पूरे रखें, और हमेशा सतर्क चलें, जागरूकता से चलें। तो दोस्तों, ये जो 100 दिन है आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले, कहीं कोई डरने की बात नहीं है, बहुत पॉजिटिव माहौल रहेगा, सकारात्मक माहौल रहेगा, उत्साह, उमंग, त्यौहारों की खुशियाँ रहेगी, सही घर में बहुत अच्छा आपका ये दिन रहने वाले हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा,
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय हिंद।